सी ओपन दे में म्यूजिक प्लीज कुछ है क्या थोड़ा मेरा एल्बम बचा जो एल्बम था वही चला ना प्ले द एल्बम इसके पश्चात अभी मेरी आराधना तो खत्म हो गई अब इसके बाद I'm feeling very happy and I thank God for this pleasant time. I'm nothing before them, basically. You know, like I'm a simple musician and they have recognized my talent and they have encouraged me. So this is my day, I can say. So Subhash ji, aap se jana chahenge. हमारी कोई फिल्म बन ही नहीं सकती बिना नवीन जी के मतलब हर फिल्म में क्योंकि हर फिल्म में अच्छा संगीत चाहिए अच्छे म्यूजिशियन चाहिए अच्छे ओरिजिनल लोग चाहिए सबको चाहिए सबको चाहिए तो नवीन जी के तो हमारे लिए एक सिक्योरिटी भी है तो फ्लूट बजेगी वो तो कम से कम अच्छी बजेगी सर आपसे आप जरा नवीन जी के बारे में कुछ बोलेंगे नवीन जी के बारे में इतनी बातें हैं बोलने के लिए क्योंकि संगीत के अंदर इन्होंने जो चीज़ पेश किया है इनके जो रियाज किया है इन्होंने इस चीज़ को पाने के लिए हर एक देश के म्यूज़िक को सुन के फोक म्यूज़िक वेस्टर्न क्लासिकल सिम्फनी हर एक धुनों को सुन सुन के और उसको फ्लूट के अंदर इतने सही ढंग से लेना कुछ खेल नहीं है ये सिर्फ नवीन जी कर सकते हैं और नवीन जी ने जो किया है और आज मुझे देखा भी है जो आप लोगों ने काम किया है एक्सीलेंट वर्क मुझे ये सबसे अच्छी बात लग रही है कि अच्छे संगीत को आज लोग चाह रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसे संगीत आए और नवीन जी के साथ हम लोग हमेशा हैं नवीन जी का प्यार जो हमारे लिए है और हमारा प्यार उनके लिए हमेशा रहते हैं प्यारे लाल जी अक्सर सवाल आपके ही है आप इस इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए हैं तो जो संगीत का दौर है वह आपके समय से और आज कितना बदला है और अगर बदला है तो उसमें कितनी खामियां आई हैं या फिर कितनी खूबियां ने सुनिए खामियां तो कभी होती नहीं है आप समझिए ना इसलिए इस समय के साथ हर चीज़ चेंज होती है और जो आपकी चेंज नहीं होगा समय के साथ वो आपके पीछे रह जाता है और हमको पीछे रहना नहीं है अगर हम कोई चीज़ समझते नहीं हैं आज के लैंग्वेज को या आज की सोच को तो ये हमारी गलती है
हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए और हर एक चीज़ को आप अच्छी नज़र से ही देखिए तो आप उसमें अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आपकी सोच ही हुई है कि मैं इसमें क्या खामियों निकाल, जैसे आज मैं बैठा था तो मैं सिर्फ सोच रहा था क्या क्या काम किया इन्होंने, क्या क्या अच्छा, तो मैं आज आ के मैंने कितनी चीज़ सीखी अरे लोगों से जो आप लोगों ने भी काम किया है, जो इसको शूट किया हुआ जिस ढंग से बनाया है, क्या वर्क है आप लोग समझते हैं। एक मैं देख रहा था अरे पीसीस को, अरे नोट्स को इस अच्छे ढंग से लेके और इतना अच्छा एडिट करना, जो वर्क किया एक्सलेंट। प्यारे लाल जी, आपने अपने टाइम में बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, बहुत अच्छे गाने बनाए। अभी आपको अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर बता करेंगे आपसे? आज टाइम अपना है, आप सुबह उठते हमारे गाना सुनते कि नहीं? और ऐसा गाना मिलेंगे वही है, क्यों नहीं करेंगे। वो चीज़ मांगने से नहीं मिलती है, भगवान अपने आप देता है, हर एक चीज़ का वक्त होता है। और ये नहीं है कि आज हम आपको लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे, हमने 56 ईयर्स काम किया एज एन म्यूजिशियन वायलिनिस्ट, एज एन अरेंजर एंड कंपोजर, एज एन कंपोजर 36 ईयर्स, ऐसा सब करके उसके बाद अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम ज़्यादा करके मतलब वर्ल्ड म्यूजिक है और कुछ है, जैसे मैंने बात की थी सुबह जी से भी कि आप इतना सब काम कर रहे हैं, मुझे भी इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड म्यूजिक के तरह सिम्फनी है, वेस्टर्न म्यूजिक है, बाहर के लोग हैं, तो समझिए साल में दो साल में हम एक टूर करते हैं, वहाँ के म्यूजिक कॉलेज हैं उसमें हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी चीज़ चार बात करते हैं तो आठ बातें हमसे हम लेते हैं, ये लाइफ है। आजकल के जो सिंगर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वही कहते हैं कि मेलोडी चली गई है, जो पहले गाने बनते थे अब नहीं बनते, लेकिन आप कह रहे हैं कि चेंज है। हाँ, तो हर चीज़ का एक वे होता है। अब जैसे रॉक म्यूजिक है, ये बात मैं कर रहा हूँ आज कम से कम 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पहले तो मुझे रॉक म्यूजिक पसंद नहीं आता था, तो मैंने लुई बैंक्स, मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो लुई बैंक्स को मैंने फ़ोन किया, उनसे मैंने कहा कि मुझे रॉक म्यूजिक मालूम नहीं क्यों नहीं, मुझे सब अच्छा लगता है, मुझे जैज अच्छा लगता है, मुझे सब अच्छे, रॉक का जब आता है तो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता, उन्होंने कोई बात नहीं आपको रॉक म्यूजिक भी अच्छा लगेगा, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ नहीं है, आपको सेकंड बीट जो है रिदम का, क्योंकि जिन तक केड़े में चलता है तो वन था, तो रॉक म्यूजिक के अंदर जो सेकंड बीट है उसको ज़्यादा जोर देते हैं हमेशा, और आप उसके अंदर आप सोचिए कि भाई वो जो सिंगर गा रहा है वो सेकंड बीट को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, और लेफ्ट हैंड जो यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड और बेस गिटार, मतलब म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, इसे म्यूजिक के लिए बात कर रहा हूँ, बेस गिटार लेफ्ट हैंड ये सब रॉक के अंदर बहुत चलता है। जब मैंने ये हुआ तो मैं जब सोचा मैंने तो मैंने क्या किया, बोला और क्या मैं इसको और मैं इन्जॉय कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने 3 पैक विस्की ले ली और 3 पैक विस्की पीने का जब सुना तो मुझे और भी अच्छा लगा। विस्की पीने के बाद तो कोई मुझे अच्छा लगता मन का भरम नहीं था कि ये भी अच्छा लग रहा है, आप बोल सकते हैं उसमें क्या, मैं सही जगह पे आ गया था, मतलब म्यूजिक ये भी हो आप सही जगह पे आ गए, सही जगह नहीं नहीं नहीं, जैसे सुभाष सर का ये इंस्टीट्यूट है और हम आप पिछली जनरेशन ने या हम लोगों ने आपके गानों से सुन के बहुत कुछ सीखा है, आपने कभी सोचा नहीं कि हाँ मेरा भी कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ और बच्चे आए वो सीखें आपसे म्यूजिक सीखें? बिल्कुल दिल में है, लेकिन जो चीज़ सुभाष जी ने की है, इवन मिस्टर रहमान जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया, और रहमान जी के लिए मुझे खास ये बात कहनी है कि एज ए म्यूजिशियन कंपोजर तो हैं ही अच्छे, वो तो पूरा वर्ल्ड जानते हैं, लेकिन मैं खुद म्यूजिशियन हूँ इसलिए मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि एज ए म्यूजिशियन उन्होंने इतनी चीज़ें लाई हैं, एज एन अरेंजर ऑल्सो, एज ए कंपोजर, और नई चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और उनका काम करने का ढंग जो है बहुत अच्छा है, और कभी मैं उनको ये देखा नहीं मैंने कि यहाँ वहाँ कुछ करें, समझे ना, हर एक चीज़ को रोज सुन रही और अच्छे से, और जैसा उनका नेचर है ऐसा उनका म्यूजिक। जी नवीन जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पहले कैसेट्स हुआ करती थी, सीरीज हुआ करती थी, लेकिन अब म्यूजिक ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाता है, तो इसका क्या बुरा असर पड़ा है म्यूजिक इंडस्ट्री में? डाउनलोडिंग म्यूजिक लाइक it's free music, one way it is nice, but one way it is good.
for the industry. And one way it is last for the musician, basically, free download it. But what do you ask me actually? मैंने आपसे पूछा कि अभी डाउनलोडिंग ज़्यादा हो जाती है, हम म्यूज़िक खरीद नहीं पाते या सीडीज़ नहीं खरीदते, कैसेट्स में वो तो बंदी हो गई, तो इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ा है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में? मैंने आपसे ये पूछा। ये तो जवाब दिया उन्होंने। सुनने वाले का फायदा है, बजाने वाले का नुकसान है। ये तो कहा। और कुछ आपको ये जैसे फ्लूट के बारे में इतना आप सुना 300 कहाँ से प्रेरणा मिली, कोई ऐसा वो पल बताना चाहिए, शेयर करना चाहेंगे जहाँ से आपको इसमें प्रेरणा मिली? इंस्पायर्ड एक्चुअली दिस ऐप जस्ट टुक इट फ्रॉम माय डैड यूज्ड टू प्ले एंड ही जस्ट केप्ट इट साइड एंड आई जस्ट टुक दैट एंड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट एंड आई डोंट नो इट सेम केम सडनली टू मी एंड नोबडी टॉट मी is a self-taught musician and I have done diploma in vocal music as a vocalist in Andhra University School of Fine Arts. So gradually that thing came into me and my parents also encouraged me to do more kind of thing and also my dad gave Professor Samamurthy's book and all. So I used to read those things and started improvising on it and I started my own flutes and manufactured it and like that I just started making my own flutes and started selling on it. Sir, एक अलग सवाल है, एक अलग सवाल है, जिस तरह से देश में तमाम चीजें चल रही हैं, अलग अवार्ड लौटाए जा रहे हैं, नेशनल अवार्ड लौटाने की बात चल रही है, एक तरफ आपने कहा कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सरकार दे रही थी उसको आप लौटा रहे वापस, तो आपने जितने भी फिल्म थ्रेडी के लोग लौटा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, तो क्या सोचते हैं? ये सवाल अभी हम कोई जवाब नहीं देना चाहते। थैंक यू वेरी मच।